सभी को राम राम, जय श्री राम। मैं किशोर तिवारी और मैं लाइव आया हूँ कि पॉपुलेशन कंट्रोल का काम चल रहा है और अपनी जान की सुरक्षा अपने हाथ में ही रखे। कोरोना भयानक रूप ले रहा है धीरे धीरे। कल आप लोगों ने देखा बनारस में 5,000 से प्लस केसेस हो चुके हैं कोरोना के, और हम मानो सुधरने को तैयार नहीं हैं। हम आम आदमी अपनी जिंदगी को गंवाने के लिए तत्पर हैं। मास्क का प्रयोग न करना, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग न करना, तो आप अपने मौत को दावत न दें। पॉपुलेशन कंट्रोल चल रहा है, अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपके साथ साथ आपका परिवार भी उस कोरोना की आगोश में समा सकता है। तो मैं किशोर तिवारी एक समाज सेवी संगठन चलाता हूँ। मैंने इस कोरोना को बड़ा करीब से देखा है। 24 मार्च से मैं सड़कों पर दौड़ रहा हूँ 2020 से। मैंने इस कोरोना को समझा, मैंने इस कोरोना को जाना है। और आप लोग इस कोरोना को जो हल्के में ले रहे हैं, इसे हल्के में न लें, क्योंकि अब कोरोना जो है भारत में पैर फैला चुका है, बहुत लंबा पैर छलांग लगा चुका है। टेस्टिंग नहीं होने के कारण या केस धीरे धीरे सामने आ रहा है, लेकिन टेस्टिंग जिस दिन पूरे टेस्ट करा दिया जाए पूरे बनारस का या पूरे भारतवर्ष में, तो दुनिया में सबसे पहले नंबर पे कोरोना के मरीज ज्यादा से ज्यादा हमारे भारत में पाए जाएंगे। हमारे यहाँ टेस्ट में लापरवाही की जा रही है। नाक में जो सिम्टम्स निकालने के लिए जो डाला जाता है, उससे सही तरीके से प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है, और किसी को निगेटिव किसी को पॉजिटिव रिपोर्ट बताकर उसे क्वारंटाइन करा दिया जा रहा है। तो मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, मैं तो टाइफाइड से ग्रसित हूँ, टाइफाइड से बुखार से टूट चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा टाइफाइड हो गया था मुझे, और 103 डिग्री तक मुझे फीवर है, बुखार है। अभी मैं 40% कह सकते हो कि मैं ठीक हो गया हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा, बार बार कहता हूँ, मुझे आप लोग की बहुत चिंता होती है, बहुत फिक्र होती है, क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत ही अतुलनीय है, आप लोग हमारे लिए बहुत सम्मानित है। तो मैं यही कहूँगा कि घर से बाहर तभी निकलिए मेरे दोस्त, जब कुछ ज़रूरत की चीज़ लानी हो, और निकलना है तो अकेले निकलिए मेरे दोस्त, झुंड बना के मत निकलिए। अभी ठीक नहीं थी चित्रंजन भैया, अभी ठीक नहीं थी भैया हो, अपन दुखवा तो लोग से कैसे कहें। हम झेल रहे हैं जो चीज़ ना, वो आप लोग कभी ना झेलें। मैं यही भगवान से दुआ करता हूँ कि जो चीज़ मैं झेल रहा हूँ, मैं इतना पीड़ा में हूँ, मैं इतना कष्ट में हूँ, आप लोग ना झेलें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को पैर पड़कर निवेदन करता हूँ मेरे भाइयों, कोरोना को हल्के में मत लीजिए आप लोग कोरोना को हल्के में मत लीजिए, ठीक है। हल्के में मत लीजिए कोरोना को, जब काम हो तो घर से निकलिए, अन्यथा बिल्कुल मत निकलिए। भाई मुझे भी फीवर चालू हो गया है 2 दिन से। आनंद तिवारी जी, कोविड का टेस्ट करा लीजिए एक बार, कोविड टेस्ट जरूर करा लीजिए। फीवर हुआ है, गला सूख रहा है, खुशबू नहीं आ रही है, और कोई चीज का महक नहीं आ रहा है, आप कोविड का टेस्ट करा लीजिए, ठीक है। आइडियल वुमेन से आप अपना ध्यान दीजिए भाई, बिल्कुल दीदी। और हिमांशु जी, महादेव भैया, विनय प्रताप जी, जल्द स्वस्थ हो जाए तिवारी भैया आप। तो मैं आप लोगों से देखिए गोड़ पे आप लोग के माथा पटक के मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्लीज मेरे अपने छोटे भाई, या मुझे अपना नौकर समझ लीजिए, या मुझे अपना दास समझ लीजिए, जो समझना है मुझे समझ लीजिए, लेकिन प्लीज आप लोग घर से बाहर बिना काम के ना निकलें। अगर निकलते भी हैं तो मास्क जरूर प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग जरूर करें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, आप घबराए नहीं, निगेटिव खबरों की हवी मत होने दें, इससे आपको एंजाइटी होगा। अरे भैया, वो कही सुनी सुनी बातों पर भरोसा न करिए, पुनीतु मन्नू जी, ये भारत है, ठीक है ना। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ना, आप देखिएगा अभी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, घर घर टेस्ट ना, उसके बाद देखिए कोरोना क्या विकराल रूप लेने वाला है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को, मैं जिस चीज को भुक्त भोगी हूँ, जिस चीज को भोग रहा हूँ, जिस चीज का कष्ट काट रहा हूँ, मैं वही एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों से मैं पैर पकड़ के कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ,